सलमान खान ने मुनावर फारूकी की क्लास लगा दी, बोल दिया कि बेटा आज हो तुम भी आज हो लाइन में, तुम्हें भी मैं देखता हूँ, तुमने जो कांड किया है ना उसकी क्लास अब मैं लगाता हूँ। क्या हुआ है, चलिए गाइस आपको पूरी अपडेट बताते हैं, आखिर मुनावर ने ऐसा क्या कांड कर दिया, चलिए आपको बताते हैं। वीकेंड के वार से अभी अपडेट निकल के सामने आ रही है, थोड़ी देर पहले मुनावर की क्लास लगी है। दरअसल आपको पता होगा कि कल मुनावर को कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, उनके कान में हेडफोन लगा लिए जाते हैं और अंकिता लोखंडे की बातें सुनाई जाती है। जब वो अपने पर्सनल से मिलने जाती है तो बाहर की बातें इंफॉर्मेशन लेती है। अब बिग बॉस ने बोला कि मुनावर ये चीजें सही नहीं है, तो मुनावर बोलते हैं हाँ भैया ये चीज सही नहीं है, तो बिग बॉस बोलते हैं भैया तुम कैप्टन हो, अब क्या करना है क्या नहीं करना तुम डिसाइड करो, सजा देनी है क्या करना है तुम कैप्टन हो, हमने कैप्टन को बता दिया, अब कैप्टन का जो फैसला होगा उसे माना जाएगा। यहां पर मुनावर ने क्या किया, आए और घर वालों को एक साथ बैठा लिया और उनको सारी बात बताते हैं कि भैया ऐसा ऐसा अंकिता लोखंडे ने किया है, तो घर वालों पर वो फैसला छोड़ देते हैं कि भैया आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, अंकिता लोखंडे को सजा देनी चाहिए और अंकिता लोखंडे को जो डॉक्टर की तरफ से चीज़ें दी गई है वो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वो फैसिलिटी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, और ये बिल्कुल अनफेयर है कि नहीं है। घर वाले बोलते बिल्कुल अनफेयर है और अंकिता लोखंडे को ये फैसिलिटी नहीं दी जानी चाहिए, और मतलब मुनावर है वो आकर पूरे घर वालों पर डाल देते हैं कि भैया आप सब डिसाइड करो, और घर वाले डिसाइड करके बता देते हैं फैसिलिटी नहीं दी जानी चाहिए। अब सलमान खान आते हैं, वो आते ही मुनावर को पकड़ लेते हैं कि भैया मुझे ये बताओ अगर घर वालों को ही डिसाइड करना था तो बिग बॉस ने तुम्हें किस बात के लिए कन्फेशन रूम में बुलाया था, तुम्हें पर्सनल बुलाकर किस बात के लिए सुनाया गया। हाँ, जब घर वालों को ही बताना था तो फिर बिग बॉस सीधा घर वालों से पूछ लेते, घर वालों को सीधा बिग बॉस बता देते जैसे आपने बिठाकर बताया है, तो ऐसे में आपका रोल क्या है, आपकी ड्यूटी तो यह बनती थी आप कैप्टन हो, आप कहीं ना कहीं सजा दो, वो आपका डिसीजन होना चाहिए था ना कि घर वालों का, आपको डिसाइड करना चाहिए था। तो सलमान खान ये सब बोलते हुए नजर आ रहे हैं और सलमान खान ये भी बोलते हैं कि अगर तुम अंकिता लोखंडे को सपोर्ट करते तो तुमने सब घर वालों को बिठाया ही क्यों, उसको पर्सनल जाकर बोल देते, पर्सनल कुछ बोल देते, पर्सनल चीजें कर देते उसके लिए, क्योंकि बिग बॉस ने तो ऐसा बोला नहीं था कि भैया घर वालों को बैठाकर सबको बताओ, बिग बॉस ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, वो तुम्हारा डिसीजन था, तुमने अकेले में तुम उसको डिसाइड कर लेते अंकिता को साइड ले जाकर, किसी को कुछ पता ना लगता अगर अंकिता को सपोर्ट करनी थी तो। ये चीजें हुई है, मैं आपको बताऊं तो यहां पर मुनावर नहीं चाहते थे कि भैया अंकिता के साथ दुश्मनी बढ़े, क्योंकि खेल तो इसलिए खेला गया था, ये पूरी स्ट्रेटजी थी बिग बॉस की, क्योंकि बहुत पुरानी ऑडियो है अब इसलिए सुनाई गई थी ताकि मुनावर अंकिता विक्की में खिटपिट हो सके और इनके लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए, जिसके लिए बिग बॉस लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। यहां पर मुनावर है वो बड़ा चलाक निकला और उसने कहीं ना कहीं घर वालों पर डाल दिया और खुद उस चीज से बच निकला। सलमान खान इसी बात पर क्लास लगाएंगे कि भैया तुम्हें डिसीजन लेना था, तुम कैप्टन थे, घर वालों को कुछ नहीं बोलना था, तो यहां पर मुनावर की इसी बात पर क्लास लग जाती है। इस पर आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्या मुनावर को अपना फैसला लेना चाहिए था, ये सब आप आज के एपिसोड में देख पाओगे, या फिर यहां पर जो जिस तरह से मुनावर की क्लास लग रही है वो सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते कुछ ही देर में, वीकेंड के वार से बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जल्द बता रहे हैं आपको।